उत्तर प्रदेश विधानसभा सदन में विधायक भिंगा ने सरकार से 20 ट्यूबवेल की मांग की और कहा कि सरकार अगर किसानों के प्रति गंभीर है तो किसानों को ट्यूबवेल दे। बाढ़ और कोरोना काल में विपरीत किए गए राहत सामग्री और मेडिकल किट में ठेकेदारों ने करोड़ों का बंदरबांट किया है। विधायक भिंगा असलम रायनी के द्वारा सदन में राहत सामग्री और मेडिकल किट के भ्रष्टाचार को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि आज दिनांक 23 फरवरी 2021 को विधानसभा सत्र के दौरान माननीय विधायक भिंगा असलम रायनी द्वारा कोरोना काल में वितरित किए गए राहत सामग्री और विभिन्न जनपदों में टेस्ट करने के लिए मंगवाई गई किट का भ्रष्टाचार उजागर करते हुए प्रदेश के 44 फर्म की जाँच की मांग करी है। विधायक असलम रायनी ने कहा कि राहत सामग्री वितरित करने के दौरान संबंधित ठेकेदारों द्वारा तहसील स्तर से ब्लॉक स्तर तक फर्जी बिल बनवाकर करोड़ों रुपए का बंदरबांट कई जनपदों में हुआ है, जिसमें देवी पाटन मंडल नंबर 1 पर है। विधायक द्वारा उठाया गया भ्रष्टाचार के मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने संबोधित भ्रष्ट ठेकेदारों पर कार्यवाही करने के लिए 44 संबंधित फर्मों पर जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना यह बहुत रोचक होगा कि जो भ्रष्ट लोग उत्तर प्रदेश की छवि खराब कर रहे हैं, क्या सरकार उन संबंधित फर्मों की जाँच निष्पक्ष कराकर कार्यवाही करेगी। माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत मोटा हमारे पास चिट्ठा मिला हुआ है। मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूँ और माननीय मंत्री जी से, माननीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में जनमानस में बहुत हानि हुई है। मैंने अपने जनपद श्रावस्ती के विधानसभा क्षेत्र भिंगा के लिए ट्यूबवेल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग किया और जल संसाधन माननीय महेंद्र सिंह जी ने कहा कि इस पर हम पूरी जांच कराएंगे और 18 ट्यूबवेल, मैंने कहा 2 ट्यूबवेल आपने दिया है उसका बहुत ही प्रशंसा हो रहा है और 20 ट्यूबवेल की मैंने मांग की है अपने विधानसभा क्षेत्र भिंगा के लिए और विकासखंड सिरसिया और हरिहरपुर और जमनाह के लिए, और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 20 ट्यूबवेल हमारे विधानसभा क्षेत्र में जरूर लगवाएंगे। इसी के साथ में मैंने जो आज मेरा प्रश्न था उस पर भी मैंने बहुत ही गहराई से उस पर सदन में मैंने उठाया और जिस पर माननीय मंत्री जी ने उसका जवाब दिया और मुझे यकीन है, विश्वास है कि ट्यूबवेल के साथ साथ में नहर विभाग की भी जांच होगी और बड़े स्तर पर होगी।